बसारतपुर पानी टंकी के पास गैस पाइपलाइन डालते समय टूटी थी पानी की पाइपलाइन। रास्ते में बना है पानी से भरा गड्ढा, प्रशासन है मौन। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। यहाँ से रोज गुजरते हैं सैकड़ों स्कूली बच्चे। यहाँ के नागरिक हैं परेशान। पिछले सप्ताह दिल्ली में एक हादसा होता है, वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर चल रहे थे बेसमेंट में, उसमें अचानक पानी भर जाती है और वहाँ पे 3 छात्र की डूबने से मृत्यु हो जाती है और कई इसमें दब जाते फंस जाते हैं। आनंद फानंद में प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये चीज़ें अगर हम लोग पहले से सतर्क हो जाए, जो भी बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं उसको हम लोग पहले से देख ले, प्रशासन देख ले, उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दे, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो ये मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये कि आज हम जो खड़े राम जानकी नगर चौराहे पे खड़े हैं और एक रास्ता हो जाता है जो कि यहाँ पे 4-5 स्कूल हैं, जैसे नवल्स है, आपका रैंपस है, LFS है, वो बैटर स्कूल है, यहाँ से बच्चों की छुट्टी होती है, सामने चौराहे है, बच्चे आती हैं, स्कूल की वैन आती हैं, बच्चे साइकिल जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सप्ताह पहले, पीछे आपकी जो पानी की टंकी दिख रही है, गैस की पाइपलाइन दिख रहा था यहाँ पे, उस पाइपलाइन से बिछाने के दौरान पानी पाइप टूट जाती है और पूरा यहाँ जल जमा हो जाता, भर जाता है, पीछे एक बहुत विशालकाय गड्ढा बन जाता है। गड्ढा देखा चलिए जो है पिछले 3-4 सप्ताह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये गड्ढे की गहराई कुछ नहीं तो 4 से 5 फीट गड्ढा है और इसमें पानी कांटनी भरा रहता है, बरसाती पानी भरा रहता है और यहाँ से बच्चे गुजरते रहते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं और जो आसपास के नागरिक हैं वो गुजरते रहते हैं। कभी भी हादसा हो सकता है, इसमें गिरने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि इसको बंद करवा दे, ढकवा दे या फिर कुछ करवा दे, जाने के लिए केवल मुश्किल से 4 फीट या 5 फीट की जगह है, उसी में से आना भी है, जाना भी है। और बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो जो मिट्टी ऊपर जमा हुआ है वो काफ़ी चिकनी हो जाती है, वहाँ से कोई भी व्हीकल जो स्लिप कर गिर सकता गड्ढे में। और वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि आप इससे प्रशासन इस पर जगह इसको सही करवाए। हाँ भाई, यहाँ के कुछ नागरिक दिख रहे हैं, भाई कब से ये गड्ढा ये है, कुछ बताएं इसके बारे में। तो गड्ढा क्या भाई साहब, तो मेरठ था बाहर था, हाँ। तो अभी हमारी गाड़ी फंसी थी जी, हाँ। अभी दिक्कत रोड में दिक्कत आई नहीं है, ज्यादा दिक्कत आई नहीं। हाँ। आप बताएं कब से ये गड्ढा हुआ है, बाहर जाए तो दिक्कत है ही रोड में। तो ये यहाँ पे लगभग रोज ही गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे। हाँ, मतलब अनजान आदमी अगर बाइक लेकर आए तो सीधा रात में गिर भी सकता है, इसमें मसला ये भी हो सकता है ना। अब जैसे ये लोग बाहर से यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की भी दुकानें हैं, ट्रक लेके लोग आते हैं यहाँ पे, तो अनजान व्यक्ति क्या रात में कोई भी आएगा तो इसमें गिर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे देखिए बस भी आ रही है चौराहे से, बसें भी आती हैं, बाइक भी आती है, एक तरीके से जाम लग जाता है, आने जाने के बहुत ही कठिन रास्ता है, इसी में आना जाना है। कार भी आ रही है, पीछे कार दिखाई, कार भी आ रही है। या फिर जो भी इस डिपार्टमेंट के हैं आप लोग देखिए इस गड्ढे को, चौराहे गड्ढा है। अभी बस भी यहाँ से मुड़ेगी, बस भी इसी रास्ते से होके जाएगी। आती है देखिए बस से जा रही है, कभी भी हादसे। कब भैया, कितने दिन से आप जा रहे हो, कितने दिन से जा रहे हो? 15 दिन हो गया गड्ढे का लगभग। हमारा कोई सुनवाई इस पे नहीं हुआ? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो गड्ढे में कोई खतरा ऐसा, कुछ जाम की स्थिति बनी रहती है हमेशा? यस सर, पहले तो हम लोग इधर गाड़ी जब घुमाते थे तो आ जाता था, मगर अब समस्या हो गया कि एकदम टर्न लेना पड़ता है कि पोल में भी टच हो सकता है, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है कि आप इसमें बच्चे भर के ले जा रहे हैं। जी सर, रिस्क तो है, रिस्क बना रहता है। जी सर, इसमें कोई भी जो भी आलात गाड़ी का ध्यान अभी तक नहीं किया है, पढ़ाई नहीं। हेलो,